दो दो बूस्टर्स जहाँ पे पानी दिखता नहीं था, आज दो दो बूस्टर्स इस क्षेत्र के पास हैं। जहाँ तक हो सकता है हम प्रयास करते हैं कि सभी को छत मिले। अब उन सबको सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लैट दे दिए हैं कि आज यहाँ पर 70% सड़कें बन चुकी हैं। जो नहीं दिख रही या तो पाइपलाइन में है या वर्क इन प्रोग्रेस है। और पानी का, जल का तो दान किया जाता है और फिर भी सरकार के कुओं से पानी इस तरीके से बेचा जाए तो उन लोगों पे बहुत जल्दी लगाम कसने वाली है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। हम अपनी रोटी लाएंगे और मोदी जी को फिर से हम बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद में और हमारे साथ हैं सीमा त्रिखा जी, जो कि बड़कल विधानसभा से MLA हैं और यहाँ पर उनके साथ और भी साथी हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये जो टिफिन बैठक हुई है ये किस उद्देश्य हुई है? आज फरीदाबाद बड़कल विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ जी के आदेश और निर्देश अनुसार हर जगह पर टिफिन पर चर्चा का कार्यक्रम रखा जाना था। आज उसी के तहत हमारे बड़कल विधानसभा का जो मेवला मंडल है, आज इस मंडल के जो अध्यक्ष कमल शर्मा जी हैं और मेरे साथ यहाँ पे बड़कल मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं सत्येंद्र पांडे जी, तो आज ये कार्यक्रम मेवला मंडल में रखा गया। और इसमें हमारे जितने जो सहयोगी हैं, सहयोगी का भाव ये जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो उस परिवार के सदस्य हैं और इनके साथ इस क्षेत्र के जो RWAs के सदस्य हैं, इस क्षेत्र में वो लोग जो किसी भी दल में हैं या नहीं हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं जो उसे आगे लेके जाते हैं, उन सब के साथ बैठ करके आज हम लोगों ने भोजन पर एक चर्चा करी। और इस चर्चा के दौरान हम लोग सब अपने अपने घर से अपना भोजन लेकर के आए थे। देखिए, बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे होते हैं, वो अपने कार्यकर्ता को और आम जनता को अलग अलग चीज़ों का मोह दे करके लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े हुए लोग इस प्रकार के हैं, वो कहते हैं हम अपनी रोटी लाएंगे और मोदी जी को फिर से हम बनाएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम इस विषय को लेकर के था, जिसमें सभी लोगों ने अपने कुछ सुझाव दिए कि सरकार और पार्टी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। मेरा एक सवाल यहीं से रहेगा, फरीदाबाद से, ये सेक्टर 39 का एरिया पड़ता है, तो इसमें आप कोई ऐसे दो चार कार्य गिनवा सकें कि जो आपने अभी तक कराए हैं? और यहाँ के लोग ये तो सारे पार्टी के ही हैं, जो बाहर जो मैसेज जाता है कि भाई क्या क्या कार्य हैं। मैं जिस क्षेत्र में बैठी हुई हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बड़कल का मेवला मंडल है और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, बहुत छोटी दूरी पर सूरज कुंड है, जो कि इंटरनेशनल फेम की जगह है। और इस नाते से आपको भी ये बात समझ आ जाएगी कि कितनी प्राइम लोकेशन है हमारी ये। लेकिन बड़ा अफसोस लगता है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश की आज़ादी का, और जहाँ पर इंटरनेशनल मेला लगता हो उस जगह पर इतनी सरकारें आई और चली गई, इतने मुख्यमंत्री रहे और विधायक और सांसद भी रहे, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी की और मोदी जी की पहली सरकार है जिसमें यहाँ की जनता की डिमांड हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी और पहली बार सरकारी तौर पर सीवरेज की लाइन डली। 37 करोड़ जिसका बजट था और 10 करोड़ के करीब पीने के पानी की लाइन डली। और मैं आपके माध्यम से बताने में गुरेज नहीं करूँगी कि हमारे यहाँ पर पिछली सरकारों की एक फलसफा था यहाँ पर कि सरकार के पैसे से ट्यूबवेल लगाएं, फिर अपने किसी गुर्गे को या अपने किसी समर्थक को दे दें और वो पानी बेचता था। आज भी मैं बैठी हूँ यहाँ पर, अभी भी मेरे से 3-4 लोग मिले हैं जिन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन ये जो पानी माफिया काम करता है, हम तो भारत की सरोजमी पर रहते हैं जहाँ पर कि पानी का, जल का तो दान किया जाता है और फिर भी सरकार के कुओं से पानी इस तरीके से बेचा जाए तो उन लोगों पे बहुत जल्दी लगाम कसने वाली है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। यहाँ पर शिव दुर्गा विहार है जहाँ की हम पूरे की सड़कें RMC कर चुके हैं।
एक हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट सड़क है जिसे हम दो हैं, एक तो फाटक वाली सड़क और एक मार्केट मेन मार्केट रोड। फाटक वाली सड़क का हम वर्क ऑर्डर कर चुके थे 2019 में, लेकिन 19 में चुनाव के करके आचार संहिता लग गई और उसके बाद में सरकार बनने के 2-3 महीने के बाद कोरोना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हम काम नहीं करवा पाए। और 2.5 साल तक तो हम कोरोना के दौर से गुजरे और ठेकेदार ने सरेंडर कर दिया क्योंकि कीमतों का फ़र्क आ गया। अब दोबारा हमने उसका टेंडर किया, उसका हम वर्क ऑर्डर भी जारी कर चुके हैं और बहुत जल्द फाटक वाली रोड भी इस क्षेत्र को मिलेगी और उसके साथ साथ अंदर मेन मार्केट की सड़क भी इसको एक ही कंट्रैक्टर के पास है, वो भी जल्दी मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमने अंदर सीवरेज और पानी की लाइन डलवाई थी जिसकी वजह से हमारी सड़क टूटी भी, उसका भी एस्टीमेट गया हुआ है और बहुत जल्दी वो भी इसके अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। कुओं की गिनती मैं कर नहीं सकती कितने कुएं लगा दिए, बल्ब मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत पोल्स हैं और अगर इस वार्ड को लिया जाए, खाली इस वार्ड को ही लिया जाए, तो इसकी जनसंख्या एक विधानसभा की जनसंख्या के बराबर है, इतना लोग यहाँ पर रहते हैं। और स्कूल यहाँ का 12वीं तक होना, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। 2-2 बूस्टर्स जहाँ पे पानी दिखता नहीं था, आज 2-2 बूस्टर्स इस क्षेत्र के पास हैं। और ये मैं बोल सकती हूँ कि हम 100% नहीं पहुँचा पाए, लेकिन मैं ये दावा कर सकती हूँ कि हम 90% हमने पहुँचाने का काम किया। और अब हमारी भी इच्छा है, मेरे यहाँ के सारे जो लोग हैं सभी की इच्छा है कि यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बने। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो बड़े नशे में रहते हैं, सींग निकल आते हैं इनके और पूंछ भी आ जाती है, बैठते हैं नहीं, टिकते हैं नहीं और नशे में रहते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल ज़मीन से लग करके कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से आप किसी को भी ले लीजिए, मेयर को, पार्षद को, विधायक को और सांसद, किसी को भी ले लीजिए, वो सबसे पहले अपना परिचय पार्टी के कार्यकर्ता होने का देगा और जिसको ज़मीन पे बैठना सिखाया जाता है। और हमें रेगुलर क्लास भी लगती है कि इस नशे से दूर रहें। नशा करना है तो सेवा का नशा करें, नशा करना है तो लोगों को सुख देने का नशा करें। इन सारे क्रियाकलापों के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य रफ्तार से चल रहा है। जैसा कि आपने बताया, सूरजकुंड यहाँ पास में है, इंटरनेशनल फेम है, और ये बडकल वाला जो एरिया है ये काफ़ी एक हाई क्लास एरिया जो है और हाई डेंसिटी भी है यहाँ की, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये फरीदाबाद का जो एक प्लान था स्मार्ट सिटी वाला, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि 9 साल हो गए हैं सरकार को, कहाँ तक किस रफ्तार से काम चल रहा है और कब तक आप सोचते हैं कि फरीदाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी के रूप में हमें मिलेगा? जो स्मार्ट सिटी का प्लान था उसके अंदर क्षेत्रफल निश्चित किया गया कि पहले जो हमारा फेज़ है उसमें हम इतने क्षेत्रफल में काम करेंगे। बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको याद भी होगा कि फरीदाबाद पहली लिस्ट में रिजेक्ट हो गया था, जबकि जब पहली बार भी इस पे काम चल रहा था तो मैंने अधिकारियों से कहा था आप बडकल झील का रिवाइवल इसमें डालें, वो नहीं डाला था। रिजेक्ट होकर जब वापस आए तो मैंने दोबारा उनसे कहा कि आप लेक डालें। और मैं आपको बताती हूँ, 100 सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन 100 में ये इकलौती सिटी है जिसके अंदर वाटर रिवाइवल बॉडी ली गई है, 99 में ऐसा कोई काम नहीं है। दूसरी बात, जो हमने क्षेत्र इसमें सिलेक्ट किया वो बताती हूँ कि हर सरकार प्रशासन के हर उसके मतलब जहाँ जो हमारे पास डिफरेंट बॉडीज़ हैं, जैसे हुड्डा अपना काम करती है, नगर निगम अपना करता है, FMDA अपना कर रही है, स्मार्ट सिटी अपना कर रही है, हर एक के अधिकार और कानून अलग हैं। अगर हम इस क्षेत्र को पकड़ लें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा कानून का पालन हुड्डा के क्षेत्र में होता है, HSVP के। आप वहाँ पर जो आपकी मकान की पैमाइश है आप 1 इंच बाहर नहीं बना सकते,
तो यानी कि वहाँ पर हमें सड़कें और सारा कुछ आसान मिला, हमें किसी को तोड़ना नहीं पड़ा, इस नाते को देखते हुए। और दूसरा, जैसे कि हमारी, मैंने बताया कि पहले में हम रिजेक्ट हो गए थे और दूसरे में हम सिलेक्ट हुए, तो उसका सबसे बड़ा कारण भटकल लेक बना। जब झील के नज़दीक से हम चलेंगे तो हमें वही रूट पकड़ना होगा। उस रूट के सबसे नज़दीक हुड्डा का क्षेत्र आता था, इस नाते से उसे सबसे पहले टेकअप किया गया। आज हम जहाँ बैठे हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि 2009 में जब भटकल में पहला चुनाव हुआ था और इसमें कांग्रेस विजयी हुई थी, तो उसके विजय के बाद भी मैंने ये इलाका छोड़ा नहीं, मैं निरंतर आती रही। और मैंने देखा यहाँ जो 250 फुट गहरी खाने थी उनके अंदर 2009 से 14 तक का जो टेन्योर था उसमें वहाँ पे प्लॉटिंग करके फ्लोर बनाने का काम किया गया। यानी खान को तो कोर्ट भी कहता है कि इसे वापस भर दिया जाए, लेकिन उस सरकार के नुमाइंदों ने वहाँ पर फ्लैट बना करके बेचने का काम किया, भोली भाली जनता को गुमराह किया। आज जब बारिश आती है तो जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है उसकी बेटी का दहेज, साड़ी, बेड, जो भी कुछ है वो पानी में बह जाता है। अगर वहाँ कोई नीचे बूढ़ी दादी रह रही है, उसका दवाई और उसका अपने आप को संभालना मुश्किल है। और अधिकतर उन लोगों ने खरीदे जिनके पास पैसे कम थे। आदमी को, हर बंदे को अपना भविष्य देखना, और कोई भी बंदा ये नहीं सोचता। और ऐसे लोगों के साथ आपने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, छल किया है। तो छल तो जब आप किसी भोले भाले के साथ करते हो वो ऊपर वाला देखता है, तो आज हमें उनको साफ रखने में मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत सारी यहाँ पर इश्यूज हैं, जैसे कि पीछे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय के आदेश से खोरी की जगह खाली कराई गई क्योंकि वो जंगलात की थी। ऐसे ही कुछ एरिया और चिन्हित कर लिया गया, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम प्रयास करते हैं कि सभी को छत मिले। अब उन सबको सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लैट दे दिए हैं, तो इस तरीके से हम आगे चल रहे हैं। मेरा मतलब एक हल्का सा एक सवाल और रहेगा कि आप किस पैमाने पे आती हैं, 10 का पैमाना है तो आप कहाँ देखती हैं फरीदाबाद भटकल को इस समय? अगर आप मेरे से ये बात पूछते हैं तो मैं आपको, मतलब मुझे सिर्फ 2 मिनट फालतू लेने पड़ेंगे आपको बताने के लिए कि देखिए, मैं जो बात बोलूँगी, यहाँ पर भी लोग बैठे हैं और आपके माध्यम से मुझे सुन भी रहे हैं। 2014 से पहले वाले भटकल के पास तहसील नहीं थी, तो 2014 वाले भटकल के पास जब भाजपा आई तो एक तहसील नहीं आई, और उस तहसील के साथ आज उस तहसील की बिल्डिंग भी अप्रूव हो चुकी है, 2-4 महीने में वो भी शुरू हो गई। 2014 से पहले हमारा स्टेडियम गिर रहा था, आज उस स्टेडियम की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है, और कोरोना का जो टाइम लैप्स हुआ है उस कारण से कुछ टेक्निकल दिक्कत आई है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी निवारण करेंगे और वो काम पुनः शुरू हो जाएगा। 2014 से पहले इस ज़िले के पास पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो पासपोर्ट ऑफिस 2014 के बाद भटकल में आया, हमारी भटकल विकास रैली में मांग रखी गई थी। 2014 से पहले यहाँ पर इतने खड्डे हुआ करते थे कि आदमी पता नहीं होता था कब कहाँ कैसे। और आज मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ कि आज यहाँ पर 70% सड़कें बन चुकी हैं। जो नहीं दिख रही या तो पाइपलाइन में है या वर्क इन प्रोग्रेस है, और या लोग बस जाते हैं लेकिन अनअप्रूव्ड एरिया होता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम रुका। 2014 से पहले यहाँ की कॉलोनियाँ पास नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉलोनियाँ पास करी 2014 से पहले। मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो 14 से पहले नहीं था। 2014 से पहले हमारे पास बस अड्डा तो था जो 1960 या 65 में बना होगा, इतने सालों में किसी ने सुध नहीं ली। आज सबसे नवीनतम PPP मोड का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बस अड्डा इस
विधानसभा में सबसे खूबसूरत बस अड्डा जो है हरियाणा का वो इस विधानसभा में है। और 2014 से पहले यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक जो यूनिवर्सिटी थी प्राइवेट, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी। 2-4-5 महीने के अंदर इसी विधानसभा के भाकड़ी गांव में जेसी बोस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। 2014 से पहले हमारी भटकल झील की क्या हालत थी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, 28 साल हो गए आज उसे सूखे हुए। लेकिन मैं फरीदाबाद की तमाम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बीजेपी को जगा दी और आज वो झील भी भरने जा रही है। बहुत बड़ा काम जिसे कहते हैं ना, मतलब ये सही मायने का भागीरथी प्रयास मैं बोलूँगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, कम से कम 5-6 स्कूल हमने प्लस टू के किए। इसके साथ साथ अभी हाल ही में 20 दिन महीना पहले मेरी आदरणीय कंवरपाल जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे मेरी चर्चा हुई थी और 3 महीने पहले हमने अपनी डिमांड भेजी थी 12 स्कूलों को दोबारा बनाने के लिए। उन 12 स्कूलों में से पहले चरण में 6 स्कूल नई बिल्डिंग बनेगी और हर बिल्डिंग की लागत लगभग 5 करोड़ के करीब आएगी। और जो नई बिल्डिंग बनेगी, पहले एक सिलसिला होता था इतने 50 कमरे डाल दो, 20 कमरे डाल दो, इस तरीके से नहीं। आप जैसे DPS की मानव इसकी APJ की मानव रचना की किसी की भी अच्छे स्कूल की आप बिल्डिंग देखते हैं, और मैंने तो बल्कि इनको कहा है अगर आपको ये वाली बिल्डिंग ठीक नहीं लगती तो हाल ही में एक सेंटर स्कूल भी हमारी विधानसभा में बना, उसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैंने इनसे कहा आप उस बिल्डिंग का डिज़ाइन देखें, उस तरीके की बनाएं। हर भटकल को 6 नई स्कूल की बिल्डिंग मिलने वाली हैं। अगर और मैं इसमें जोड़ूं और जोड़ती जाऊंगी तो रेलवे स्टेशन हमारा ओल्ड फरीदाबाद का, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मनोहर जी की आपसी रजामंदी का नतीजा होता है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के प्रोजेक्ट्स को आगे लाते हैं तो रेलवे स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स उसमें आते हैं, एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स उसमें आते हैं, तो हमारे पास रेलवे स्टेशन हमारा बहुत खूबसूरत बनने जा रहा है। अगर आप देखेंगे दशहरा ग्राउंड जो यहाँ का प्राचीनतम है वो टाउन में है, उसका नवीनीकरण हो रहा है। उसी के सामने 5 मंजिला नगर निगम का कार्यालय बन रहा है जिसके 1 मंजिल पर नगर निगम, दूसरे पे FMDA, तीसरे पे स्मार्ट सिटी और चौथे पे वहाँ पर हमारे पास जो हमारा बस पोर्ट बना है उसका ऑफिस होगा। और इस तरीके से सरकार कोई भी चीज़ अनदेखी नहीं कर रही है। तो ये तो वो विकास कार्य हैं, अंतिम विकास कार्य जो मैं बिजली के 3 सब स्टेशंस मैं भूल गई, बिजली के 3 सब स्टेशंस हमारी विधानसभा में आए। और मैं चैलेंज करती हूँ भटकल में जितने विकास कार्य हुए हैं कोई और व्यक्ति आकर के हमारे साथ आज भी टक्कर लेकर के देखे कि क्या इतने उन्होंने कराए या किसी और ने। 3 बिजली के सब स्टेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए, जिसमें से फरीदाबाद का सबसे बड़ा सब स्टेशन हमारे सेक्टर 46 में बना है, दूसरा सब स्टेशन सेक्टर 21 में बन रहा है, वो भी 4-5 महीने का काम बाकी है। तीसरा जो सबसे बड़ा और बनने वाला है वो सूरजकुंड के लिए बनेगा। जैसा कि मैंने कहा ये अपने आप में एक पूरी विधानसभा है, पूरी विधानसभा है। तो एक ये भी कार्य जो है शीघ्र ही सबके सामने आएगा। और छोटे मोटे करके मैं अगर कुएं गिनूंगी तो मैं गिन नहीं पाऊंगी क्योंकि 10 वार्ड हमारे पास हैं, बहुत हमने ट्यूबवेल्स लगाए, सड़कों का काम जो है बहुत सारा हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि 70% 78% हम कर पाने में कामयाब हुए। इसका सारा श्रेय जो है ना भटकल की जनता को जाता है, भटकल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। अगर आप BJP को देखेंगे तो हमारा बूथ एजेंट जो है वो हमारे से भी ज़्यादा मजबूत है। हमारे त्रिदेव जो हैं, जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, पालक हैं, और अब हमारे शीर्ष नेतृत्व के अनुसार हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं।
तो ये जो है, ये हर आदमी का भला जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से, जिसमें मोदी जी अग्रगण्य हैं, आदरणीय मनोहर जी प्रदेश के नाते प्रथम सेवादार होते हैं, और चाहे किसी बहन के घर का चूल्हा है या किसी बेटी की गर्भावस्था है, या फिर उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 1,80,000 की गरीबी रेखा का पैमाना है, जबकि पूरे देश में 1,20,000 तक का व्यक्ति गरीब गिना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी ने घर में जाकर के दरवाज़ा खटखटाया है। मोदी जी ने आयुष्मान दिया है तो मनोहर जी ने चिरायु दी है, दोनों का काम एक है। वो भी 5 लाख देते हैं चिरायु से भी। और मैं ये बात जोड़ती हूँ इसमें, आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में कोई नोट छापने की टकसाल नहीं लगाई है, उन्होंने जो सब कुछ पोर्टल पे ला करके रखा है उससे हरियाणा की लीकेज रुकी है। नहीं तो एक टीचर अपनी ट्रांसफ़र के लिए, पुरानी सरकार में एक ट्रांसफ़र लेने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपया रिश्वत दिया करते थे। आज टीचर को विधायक और अधिकारी की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर पे उसने अपनी 3 चॉइस डालनी है और अधिकतर टीचर्स को फर्स्ट चॉइस मिल जाती है बिना किसी की शक्ल देखे हुए। और अगर आप जा कर के पता करेंगे, टीचर्स का इंटरव्यू कभी करेंगे तो वो बताएंगे हम मनोहर जी और मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सुखी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। और अंतिम लाइन में मैं बोलूँगी कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरी सरकार एक छोटे से मोबाइल में ला के बंद करके एक रिक्शे वाले के जेब में डाल के रख दिया कि जब तुम्हारे को तुम्हारा डिपू वाला राशन पूरा ना दे तो अपने मोबाइल में चेक कर लेना और उसकी शिकायत दे देना, ऑनलाइन कार्रवाई हम कर देंगे। आपने ये सारी बातें बताई, बहुत अच्छी लगी सुनने में, लेकिन मेरा ये अगला जो सवाल है एक छोटा सा है, ये मेरा नहीं है, ये विपक्ष का सवाल है कि जो MCF के इलेक्शन जो इतना डिले हुए हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि BJP को कोई डर है कि कहीं ये हार गए तो फिर एक तरीके से सेमीफाइनल माना जाएगा उसको 24 के लिए, उसको टाला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक है उसकी कार्यशैली बिल्कुल वैसी होती है, जबकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ शिद्दत बता रही हूँ कि शिद्दत कितनी होती है BJP के कार्यकर्ता में। जैसे सरहद पे कड़े सैनिकों -20 का फ़र्क नहीं होता, +48-50 का फ़र्क नहीं होता कि वो सूरज के कितने नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो सैनिक है वो भी इसी प्रकार से काम करता है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगी, क्योंकि 2011 की जनगणना है और अब हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, ना में कुछ ऑब्जेक्शन थे जो पब्लिक की तरफ से लगाए गए थे, कुछ लोग कोर्ट भी चले गए जिसके कारण से ये डिले हुआ। और हार और जीत ये बड़ी चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ चीज़ होती है वो होता है व्यक्ति का समर्पण और उसका चरित्र। यदि वो सही है, वो जीते या हारे, वो लेकिन वो जनता को समर्पित रहेगा, पार्टी को समर्पित रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत